Everybody over here to make it up. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई इंडियन व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 2020 में माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 2021 बीतने वाला है तो ये 2020 का क्यों बता रहा है। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों कि मैं 2020 का जो डाटा हार्ड डिस्क में मैं करके रखा था और वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी, बट अभी रिकवर होके आई है तो मुझे वो डाटा मिला और आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वो वीडियो डालता ही डालता हूँ। ये यात्रा है अगस्त 2020 की। उस समय लॉकडाउन था चारों तरफ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ट्रेन चल रही थी बट बहुत कम ट्रेन चल रही थी, लेकिन मुझे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना ही होता है। एक्चुअली में क्या है कि जब आप एक बार माँ के दर्शन के लिए जब आप जाते हो, कसम से बताऊँ मैं, बिल्कुल मन एकदम प्रफुल्लित हो उठता है और हर बार जाने का दिल करता है। तो दोस्तों, फिर मैं गया और कैसे गया वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप बिना स्किप किए सारी वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कितने लोग थे वहाँ पर और कैसे मतलब हमने यात्रा पूरी की आखिरकार। दोस्तों, सबसे पहले मैं लखनऊ से दिल्ली वाया ट्रेन गया। मैं और मेरी वाइफ और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ट्रेन से चलते हैं यहाँ से दिल्ली। किसान आंदोलन बहुत जोरों पर था जिसकी वजह से सारी ट्रेनें कैंसिल हो जा रही थी, जम्मू तक कोई ट्रेन जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि पंजाब में किसानों ने धरना दे रखा था और पटरियों को लॉक करके रखा था, तो एकदम ट्रेन नहीं जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब प्लेन से चलेंगे, वाया प्लेन से चलेंगे। तो हमने क्या करा, स्पाइस जेट का टिकट बुक किया दोनों लोग, और हम और हमारी वाइफ और हमारे भैया और भाभी, हम चार लोग यहाँ से निकले माता रानी के दर्शन के लिए। मन में अगर कोई चीज़ ठान लो करने का तो शायद हर दिशा से आपके लिए यही आवाज़ आती है कि हाँ ये काम हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हम लोगों ने कहा कि एक माता रानी के दर्शन करना है तो करना है, चाहे जैसे करना है। चलो, हम लोग निकल लिए वहाँ से वाया प्लेन। प्लेन से हम लोग सबसे पहले पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर में हम लोगों का प्लेन चेंज हुआ और फिर एक स्टॉप मतलब श्रीनगर था, तो वहाँ पर प्लेन चेंज हुआ, हम लोग चेंज करके दूसरी प्लेन में बैठे और उसके बाद में श्रीनगर से जम्मू के लिए निकल गए। और इन सब टोटल जो है इतनी इंटरचेंज और सारी चीज़ें ले करके लगभग हम लोगों का 3 से 4 घंटे का सफ़र ये था। हमने रात में ही यात्रा शुरू कर दी थी, तो जैसे हम पहुंचे शाम को 4 बजे, उसके बाद में हमने रात में ही यात्रा शुरू कर दी। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी आदमी आपको जल्दी इधर से जाता नहीं दिख रहा है। पूरा सफ़र हम लोगों ने तय किया और उसके बाद में यहाँ से हम लोग निकले थे 4 बजे कटरा से, और हम लोग माता अर्धकुंवारी पहुँचे ठीक वही लगभग 9 बजे के करीब में। वहाँ पहुँच कर तो देख कर मैं और शॉक्ड हो गया, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे राई फेंक दो तो नीचे गिरना नहीं है, उस जगह पे मैंने देखा 3-4 आदमी बामुश्किल। हम लोग पहुँचे, हमने कहा यार क्या पता मंदिर जो से दर्शन हो पाए या ना हो पाए, कैसे क्या हो, टाइमिंग कैसी हो। हालांकि गार्ड ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि नहीं सर, आप आसानी से जा करके वहाँ दर्शन कर सकते हैं माता रानी के और कोई इशू नहीं होगा, और बाकायदा सारी चीज़ें उसने समझाई। तो वहाँ मैं जब माता अर्धकुंवारी पे देखा मैंने, तो चारों तरफ सन्नाटा, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये सन्नाटा आपको दिख रहा होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि दर्शन करने के लिए गुफा का द्वार बंद था, कोविड की वजह से गुफा का द्वार तो बंद था बट आप गुफा के दर्शन कर सकते थे। तो इतना था, हम लोग गए माता के दर्शन किए, वहाँ गुफा के दर्शन किए, फिर वहाँ से हम लोग माता वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड का रुकने का बहुत ही अच्छा सारा व्यवस्था है यहाँ पर। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि यहाँ बुक ही रहता है, जल्दी आपको खाली नहीं मिलता है, और उसमें जा करके अपना बेड होता है, बेड के ऊपर होता है, लगभग 3 बेड होते हैं 2 बेड होते हैं ऐसे करके होते हैं ऊपर, तो उसी में जा करके हम लोग चारों लोग जा करके अपना लेट गए। 90 रुपया पर बेड, हाँ पर बेड 90 रुपया पड़ता है। तो अपना गए वहाँ से कंबल ले लिए, कंबल के लिए हमने 500 रुपये जमा किए थे, और वो भी 500 रुपये जब सुबह हम जा करके कंबल जमा किए तो फिर 500 रुपये वो भी मुझे वापस हो गए। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ पर रुके
और फिर हम सुबह जल्दी उठे, अपना रेडी हुए, वहाँ पे नहाए। नहाने के बाद में हम लोग माता के दर्शन के लिए भवन का रास्ता तय करना शुरू किया। वहाँ से माता अर्धकुमारी से भवन का रास्ता केवल 5 किलोमीटर का रह जाता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम है और इस समय हम सुबह के करीब हम लोग 10 बजे हम लोग निकले हुए हैं और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा है, केवल हम ही लोग हैं। और फिर हम सीधा भवन के रास्ते चल दिए। अब वहां पर जब मैं चल रहा था तो वहां बहुत ही कम रेयर केस में लोग आ जा रहे थे। दोस्तों ये आ गया हिम कोटी, यहाँ पर आप चाय नाश्ता अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। फोटोग्राफी के लिए भी आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। तो दोस्तों ये हिमकोटी है और यहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और हम आपको भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं आप ये इंस्ट्रक्शंस आपको हर जगह मिलेंगे और यहाँ के जो रेट लिस्ट है सबकी अलग अलग है, आप देख सकते हैं। ये नई रेट लिस्ट जारी हुई है, इससे पहले ये रेट लिस्ट था पूरा। यहाँ पर आप चाय नाश्ता अच्छे से कर सकते हैं, बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो आखिरकार माँ के दरबार पर हम पहुँच ही गए। काफ़ी थकान महसूस हो रही थी लेकिन जैसे ही माँ का दरबार दिखा, वाकई में बताऊँ सारी थकान दूर हो गई। इतना मनमोहक दृश्य लगता है ये कि जिसकी कोई जवाब नहीं। जब आप थोड़ी लंबी दूरी की पहाड़ चढ़ करके जब आप दूरी तय करते हैं, उसके बाद में ये माँ का भव्य दरबार जब आपको नज़र आता है तो कसम से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। माँ के दरबार में पहुँचने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो कोई दर्द शरीर में है ही नहीं। जैसे ही माँ का दरबार हम लोगों ने देखा तो ये रास्ता बिल्कुल छोटा लगने लगा। और फिर क्या था, हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर विश्राम किए। विश्राम करने के बाद में यहाँ से उठकर चलने को आए। ये आप यहाँ पर ये जो माता का प्रसाद यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए टेम्प्रोरी क्लोज्ड किया गया है और ये प्रसाद आपको आगे मिलेगा, ये यहाँ पर आपको आगे मिलेगा। बाकी ये माँ का भवन आप देख सकते हैं और ये माता का भवन है और यहाँ रोपवे यहाँ से जाएगा, यहाँ से रोपवे जाएगा जिसे ट्रॉली बोलते हैं, हैंगिंग ट्रॉली, जो कि वहाँ तक जाता है, माता के भवन तक जाता है, सॉरी वो बाबा भैरवनाथ तक जाता है। यहाँ से ये ट्रॉली है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं माँ का भवन सामने दिख रहा है और ये है जो है ट्रॉली जो कि ये जा रही है सीधा, मतलब बाबा भैरवनाथ की तरफ जा रही है, वहाँ पर ये दर्शन कराने जाते हैं। ट्रॉली से यहाँ से जो ट्रॉली से जाना चाहते हैं वो आसानी से ट्रॉली में बैठ करके वहाँ जा सकते हैं। दोनों तरफ का किराया 200 रुपया है जो कि एक पर्सन का 200 रुपया पर हेड पड़ता है और आप आसानी से जा करके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो लेफ्ट साइड में ये बैटरी कार जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 8 बजे सुबह से शुरू होकर के शाम को 10 बजे तक होती है और पर पर्सन 236 रुपये पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधा होती है। हम सीधा यहाँ से निकले तो ये बाईं तरफ ये था जो कि रोपवे की तरफ जाता है ये रास्ता। यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन अभी जस्ट 2 दिन पहले की मैं बात बता दूं, आज मैंने ये वीडियो बनाया है, 2-3 दिन पहले की बात है, माता के दरबार में वहाँ पर एक तरीके से बहुत तेज़ी से हो गया वहाँ पर धक्का कसी, जिसके वजह से वहाँ पे कई लोगों की जानें चली गई। तो ये अभी यहाँ पर एक भी आदमी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल आदमी ही आदमी है। तो ऐसी ही भीड़ होती है, लेकिन ये कोविड का टाइम था कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। भेंट शॉप माता की ये वाली जो है ये अभी खुली है तो इसमें जो है आसानी से हम प्रसाद ले रहे हैं, जबकि आम दिनों में बहुत लंबी कतारें लगती हैं। तो ये कोविड टाइम में ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से हम लोगों को बिल्कुल आसानी से प्रसाद मिल गया और हमने प्रसाद ले लिया और सीधा मंदिर की तरफ
मूव करने लगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी भीड़ हो या भीड़ में जब आप जाएं तो कृपया थक्का कसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा जब आप टेंशन में जाते हैं, थोड़ा सा आप हाइपर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटने का एक वो हो जाता है। दोस्तों यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि दाएं साइड में ये बाबा भैरवनाथ की तरफ ये रास्ता गया है और ये बायां साइड नीचे की तरफ यानी माता रानी के दर्शन के लिए गया है। तो दर्शन के लिए जाते टाइम पे जस्ट कुछ ही दूरी पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ लॉकर मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपना सारा सामान, कीमती सारा सामान आप वहीं पर रख सकते हैं, उसके बाद में आप अंदर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट और सारी चीज़ें यहीं पर रखा देते हैं। ये दोस्तों वहाँ की सजावट है जहाँ पर हमने देखा कि बाबा भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा रूप यहाँ पर सजा के रखा था, क्योंकि ज़्यादातर नवरात्र में ये सजावट होती ही होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बाबा भोलेनाथ और माता रानी, माता पार्वती माता का एक बहुत ही भव्य स्वरूप यहाँ पर सामने दर्शाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर माता के दर्शन करने के बाद में हम लोग आए और फिर रोपवे से सीधा ऊपर बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाने लगे। फाइनली कुछ ही मिनट के बाद में हम वहां पहुंच गए। नीचे से ऊपर तक जाने का रास्ता सिर्फ 2-3 मिनट का होता है और सीधा आप बाबा भैरवनाथ के दरबार में होते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो पैदल मान के चलिए कम से कम 1-1.5 घंटे मिनिमम जब आप अगर चलते रहते हैं तो आपको लगता है, और अगर आप खच्चर से जाते हैं तो आपको मुश्किल से 1.5 घंटे लगते हैं, आप आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। 20 मिनट या 1.5 घंटे लगते हैं, आप आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये जो कार्ट है ये यहाँ पहुँचने वाली है और ये हम यहाँ पर उतरने के बाद में उसी रास्ते से होते हुए बाहर निकले और बाबा भैरव के दरबार में हम जा रहे थे। यहाँ से आप एग्जिट करते हैं अगर आप रोपवे से आते हैं। और ये है भैरव बाबा का परमानेंट रास्ता जिधर से सब लोग आते जाते हैं सारे यात्री। यहाँ भैरव बाबा का प्रसाद आपको मिल जाएगा सिर्फ 20 रुपए में। ये श्राइन बोर्ड का शॉप है, यहाँ पर जो प्रसाद की जो यहीं पे प्रसाद आप कभी भी आए तो यहीं खरीदें आप प्रसाद, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड का है सारा सिस्टम। यहाँ पर आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे आगे बाबा के। देख रहे हैं बाबा जी की विभूति और मुख्य गेट का ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही चुपके से मैंने बनाया था, हालांकि ये तो गैर कानूनी था लेकिन मैंने एक तरीके से जुर्म किया, लेकिन बाबा भैरवनाथ माफ़ करें, हमने सोचा आप लोगों को जरूर थोड़ा सा दर्शन तो जरूर से जरूर हो जाए, क्योंकि हर जगह देवस्थान पर ये कैमरा बैन होता है। सबसे टॉप पे माता के दर्शन के लिए जब आते हैं आप तो सबसे टॉप पे मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माता वैष्णो देवी का भी झंडा लगा हुआ है, बाबा भैरवनाथ का भी काला सा झंडा लगा हुआ है, और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं और अगल बगल का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से हम आपको माता रानी का भवन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये माता रानी का भवन, ऐसा लगता है जैसे फूलों के बीच में बहुत ही प्यारा सा जो है भवन ये दिखता है जहाँ पर माता रानी विराजमान रहती हैं। जस्ट इसके बगल में थोड़ा सा आगे जब आप देखेंगे, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सांझी छत जहाँ पर हेलीकॉप्टर से लोग उतरते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये है माता रानी का दरबार जहाँ पर अगर आप आते हैं कोई मन में मनोकामना लेके तो जाहिर सी बात है माँ अम्बे रानी उसे पूरा जरूर करती हैं।
लेकिन ध्यान रहे कभी भी आप आएँ तो ज़्यादातर इसका जो सही समय होता है अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में आप आएँ। यहाँ पर ना तो आपको ज़्यादा ठंडी मिलेगी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। ये सबसे उपयुक्त तो समय रहता है अगस्त से सितंबर के बीच में। आप जब भी प्लानिंग करें अगस्त से सितंबर के बीच में प्लानिंग करें। और जाहिर सी बात है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कोविड का थोड़ा सा ज़्यादा ही केस आ रहे हैं, तो इसलिए अवॉइड करें कहीं भी जाने से। अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो ये थी माता रानी के दरबार की यात्रा कोविड के समय में, यानी 2020 के समय में ये हमारी यात्रा थी माता अंबे मैया के दरबार में। दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करी, तो इस प्रकार से हम गए और फिर वहाँ से वापस आए माता रानी के दरबार से। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ अब लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यारों। और हाँ, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। और उम्मीद करता हूँ माता रानी आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें और आप हमेशा सदा सुखी रहें। जय माता दी।